ध्यान के लाभ। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ध्यान के बारे में, लाभ के बारे में बताऊंगी कि ध्यान से मन को क्या लाभ होता है और शरीर को क्या लाभ होता है। ध्यान से हमारा जो चित्त है वो शांत हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है, बेहतर स्पष्टता आती है। हम हर जो हमारे अंदर विचार चलते हैं उनके अंदर हम स्पष्टता ला पाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर हमें किसी से बात भी करनी है तो हम शब्दों का चयन इतना अच्छा कर लेते हैं कि हमारा संवाद बहुत बेहतर हो जाता है और मस्तिष्क और शरीर को विश्राम मिलता है। जब मस्तिष्क और, क्योंकि देखिए हम दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, तो अगर लेट के भी सोचे तो आप बोलेंगे शरीर को विश्राम है, लेकिन मस्तिष्क तो नहीं मिलेगा। और जब हम शांत बैठते हैं तो शरीर और मस्तिष्क दोनों को विश्राम मिलता है। ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका ऊर्जा से भर जाती है और ऊर्जा या प्राण तत्व के बढ़ जाने से शरीर में प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार बढ़ जाता है। अब इसके मैं शारीरिक लाभ बताऊं कि ध्यान से आपको क्या शारीरिक लाभ मिलेगा। सबसे पहले जो आज की बीमारी है, उच्च रक्तचाप, जो आज बिल्कुल कम उम्र के लड़कों को हो रही है, युवाओं को, युवतियों को, तो उसमें लाभ मिलता है। रक्तचाप कम होता है और ठीक हो जाता है। रक्त में लैक्टेट के कम हो जाने से व्याकुलता हमारी कम हो जाती है। तनाव से संबंधित जो शरीर में दर्द होते हैं, चाहे सिर दर्द हो, घाव का हो, अनिद्रा हो, मांसपेशियों का, जोड़ों का दर्द हो, सब में राहत मिलती है, क्योंकि ध्यान में हम अपने आप को भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से दर्द में आराम आता है। और खुशी देने वाला सेरोटोनिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाता है। इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा का स्तर भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको इसके दूसरे शारीरिक लाभ बताती हूँ। ये तो शारीरिक लाभ थे, मानसिक लाभ क्या होंगे। ध्यान मस्तिष्क के स्वरूप को अल्फा के स्तर पे ले जाता है और ध्यान मस्तिष्क के आंतरिक स्वरूप को स्वच्छ कर उसे पोषण प्रदान करता है। ध्यान आपके, आपको बहुत जल्दी, ध्यान की वजह से आप बहुत जल्दी शांत हो जाते हो। कभी क्रोध भी आता है तो आपका मन शांति की ओर जाने लग जाता है, क्रोध को आप छोड़ देते हैं, क्योंकि क्रोध विनाश का कारण है। तो ध्यान आपको शांति प्रदान करता है, आपकी व्यग्रता को कम कर देता है। हमारे अंदर व्यग्रता होती है तो हम बहुत जल्दी कामों में सफल नहीं होते, हड़बड़ी में हमारे काम बिगड़ते हैं, मगर ध्यान हमको आंतरिक रूप से इतना मजबूत बना देता है कि हमारी व्यग्रता कम हो जाती है। भावनात्मक स्तर में सुधार आता है, हमारे विचार बहुत शुद्ध और इतने सिंपल होते चले जाते हैं कि हमारा मानसिक स्तर सुधर जाता है, विचारों का स्तर सुधर जाता है, हम रचनात्मकता में वृद्धि होती है। ये बात सही है, जितने प्रसिद्ध लोग हैं वो सब ध्यान करते हैं, उनसे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ध्यान से अच्छा कोई साधन नहीं है। प्रसन्नता में वृद्धि होती है, हम जब ध्यान करते हैं तो क्रोध तो दूर हो जाता है, पूरे दिन मन शांत और प्रसन्न रहता है। और इसके अलावा मानसिक शांति, स्पष्टता, ध्यान मस्तिष्क को कुशाग्र बनाता है, तेज बनाता है, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि तो सबको चाहिए, हाजिर जवाबी भी जिसे कह सकते हैं, लेकिन वो सही रास्ते पे हो। कुशाग्र बुद्धि के लिए, जो कि छात्रों के लिए भी चाहिए और हमारे लिए भी चाहिए, तो कुशाग्र बुद्धि ध्यान से बढ़ती है। परेशानियों को हम बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हम शांत रहते हैं, हम जानते हैं इसका समाधान हम ढूंढ ही लेंगे। और कुशाग्र बुद्धि
विस्तारित चेतना का समन्वय हमारे अंदर पूर्णता ले आता है, क्योंकि पूर्णता का एहसास ध्यान के बाद ही होता है। ध्यान आपको जागृत बनाता है, हमेशा आप बिल्कुल एक जागृत मतलब ऐसी अवस्था में रहते हैं कि जब भी कोई अगर हमारे संग कोई बुरा हो रहा है या होने वाला है तो हम बहुत जल्दी सचेत हो जाते हैं, हमको जागृत करता है, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हम बहुत शांत होते हैं, मस्तिष्क हमारा तरोताज़ा होता है, हर बात को सही ढंग से सोच पाता है, इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, क्योंकि मन का तनाव ही हमें रोगी बनाता है। जब मन तनाव मुक्त है तो हम स्वस्थ तो रहेंगे ही रहेंगे। और मैं का जो भाव है, ये ध्यान से हम कैसे करते हैं, ध्यान से हमको किस तरह लाभ होता है, हमारे अंदर जो हम या मैं का जो भाव है वो अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना ही ध्यान है। हम स्वयं के भाव को उस अनंत सत्ता के साथ जोड़ करके हम ब्रह्मांड का अपने आप को एक अविभाज्य अंग समझने लगते हैं, क्योंकि है तो हम उसी अनंत के अंश, और उसी में अपने आप को समाहित कर देना ध्यान है। ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति और अनंत के विस्तार में होते हैं। आप रियली बहुत शांत और बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। क्रमशः आप अपने बारे में जितना जानेंगे, सहजता से ही आप अपने अंदर अपने आप को खोज लेंगे। खोजने की स्वयं को खोजना, स्वयं को पढ़ना, यही तो ध्यान है। ध्यान में आप जब बिल्कुल अपने आप को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हुए उसके अंदर समाहित कर देते हैं तो आपका अपना स्वरूप भी उसी के स्वरूप का हो जाता है, और आप स्वयं को देख पाते हैं कि कहाँ आपके अंदर कमी है, किसे दूर करना है, किसे अपने अंदर लाने देना है, तो ये आपको एक पूर्णता प्रदान करता है। आप बहुत उन्नति को प्राप्त करेंगे। आप रोज ध्यान करके देखिए। मैं आपसे ये नहीं कहती कि 1 घंटा बैठिए, मगर कम से कम 20 मिनट तो ज़रूर दें, और वो भी अगर सुबह का समय हो। सुबह का समय हर दृष्टि से बहुत बेहतर होता है। आप सुबह के समय ध्यान के लिए 20 मिनट, मैं तो आज बहुत समय से बैठ रही हूँ और उसका लाभ भी महसूस कर रही हूँ। मैं इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी ध्यान के लाभ बताऊँ। क्रिएटिविटी, या आप जो भी कुछ काम करेंगे, आप दिन भर बहुत एनर्जेटिक भी फील करेंगे, क्योंकि मन शांत हो जाता है। आप एक बार मेरे कहने से 20 मिनट के लिए किसी एक ऐसी अच्छी जगह पर, शांत जगह हो, वहाँ आप बिल्कुल 20 मिनट के लिए आँख बंद करके बैठें। तरीका मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे बैठना है ताकि आप उस ध्यान का अनुभव कर पाएँ। अगर मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत है, वो मेरे उत्साह को बढ़ाता है। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कुछ तो कमेंट करिए। कमेंट करने से मुझे अपने काम को और सुधारने का तरीका मिलेगा, तो प्लीज़ मेरी हेल्प भी करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें। लाइक नहीं भी हो तो डिसलाइक तो करिए, मालूम पड़े कि हाँ ये कमी है, और वो कमेंट में करके बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।